हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर ग्रामर सेक्शन, दैट इज प्रोनाउन। ऑन फर्स्ट पेज यू लुकिंग, देयर आर सम सेंटेंसेस। अंशिका इज माय क्लासमेट, शी लिव्स इन दिल्ली। अंशिका मेरी क्लासमेट है और वह दिल्ली में रहती है। ओके, अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अंशिका इज माय क्लासमेट, अंशिका लिव्स इन दिल्ली। अंशिका मेरी क्लासमेट है, अंशिका दिल्ली में रहती है। तो क्या ये सही होता? नहीं, ये गलत होता, क्योंकि हमें बार बार अंशिका को रिपीट नहीं करना है। ओके, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सेकंड सेंटेंस जो है उसमें अंशिका को रिपीट ना करके अंशिका के लिए जगह क्या यूज़ किया, शी यूज़ किया। इसलिए सेंटेंस बना, अंशिका इज़ माय क्लासमेट, शी लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर जो शी है वो किसको शो कर रहा है, अंशिका को शो कर रहा है। मीन्स अंशिका की जगह इन्होंने क्या यूज़ किया है, इन्होंने शी यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे शी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन जो है नाउन की जगह जिसको हम यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे शी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ऐसी सेकंड सेंटेंस में क्या बोला है, अमित इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन जीवनदान हॉस्पिटल। अमित डॉक्टर है और वह जीवनदान हॉस्पिटल में वर्क करता है। तो यहाँ पे ही यूज़ किया है सेकंड सेंटेंस में। तो ही किसको शो कर रहा है, अमित को। तो ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। तो ऐसे ही आप सारे सेंटेंस में देख रहे हैं, जितने भी हमें रेड कलर से दिख रहे हैं वो सारे क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। ओके, तो प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज की जगह ले, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू, हर, एसेट्रा। ओके, अब इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं प्रोनाउन, किस किस टाइप के होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन मीन्स किसी पर्सन की, जो किसी पर्सन का नेम है उसकी जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है, ये हम कैसे जानेंगे? तो जैसे आप और मैं हूँ। ओके, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और हम दोनों मिलकर किसी अगर तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफर टू द स्पीकर, मतलब जो बात कर रहा है उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे आई, वी, मी, माइन, अवर्स, अस, ये क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, जैसे मैं बोलूँ अपने लिए कुछ, जैसे मेरा नाम है आलोक, और अपने लिए अगर मैं कुछ यूज़ करूँगा मेरे आलोक नेम की जगह, तो वो क्या यूज़ कर सकता हूँ, आई। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, ऐसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, जब मैं आपके लिए कुछ बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ यू आर गुड स्टूडेंट, तो मैंने क्या यूज़ किया आपके लिए, यू, मीन्स आपके लिए क्या यूज़ किया मैंने, यू। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ऐसे इसमें योर्स भी आता है। ओके, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स जब हम किसी तीसरे के लिए बात करें, तो तीसरे का हम नाम ना लेके, जैसे किसी, मान लीजिए थर्ड पर्सन की हम बात करें उसका नाम है मोहित, तो मैं मोहित ना बोल के वो उसको बोलता हूँ ही। ओके, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं पजेशन और रिलेशनशिप। पजेशन मीन्स आप समझते हैं कि जैसे मैं बोलूँ दिस वॉच इज माइन, ये मेरी घड़ी है, तो मतलब उस घड़ी पे आपका अधिकार है। तो वो क्या शो कर रहा है, वो आपका पजेशन शो कर रहा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, पजेशन। ओके, और रिलेशनशिप, या तो रिलेशनशिप शो करे, जैसे मैं बोलूँ ही इज़ माय ब्रदर, तो वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, मेरा। तो क्या शो कर रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है। ओके, तो जैसे हम यूज़ करें फॉर एग्जाम्पल माइन, अवर्स, देयर, ये क्या है, हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। इसकी एग्जाम्पल भी दिए हैं, दिस वॉच इज माइन, ये घड़ी मेरी है, तो मेरे लिए क्या यूज़ किया मैंने, माइन। ओके, दोज बुक्स आर हर्स, ये बुक उसकी है, उसकी बुक्स हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हर।
Now we see reflexive pronoun. When the action done by pronoun reflects upon itself, मतलब अगर pronoun कोई action कर रहा है उसका reflection उसी पर आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? Reflexive pronoun. इसके कुछ example दिए हैं, myself, itself, himself, herself, yourself, ourselves, themselves. ओके, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम. द लिटिल गर्ल प्लेड हर सेल्फ, छोटी लड़की खुद से ही खेली. ओके, मतलब कि एक छोटी लड़की है, ठीक है, लिटिल गर्ल, वो क्या है? नाउन. और वो खेल रही है, अब इसका रिफ्लेक्शन उस पर ही पड़ रहा है क्योंकि वो अकेले ही खेल रही है. तो हमने क्या बोला कि छोटी लड़की खुद ही खेल रही है. इंग्लिश में इसे क्या बोला? लिटिल गर्ल प्लेड हर सेल्फ. ऐसी सेकेंड सेंटेंस देखो, तो क्लाइंब अप योर सेल्फ मीन्स खुद ही चढ़ो. जैसे आप किसी, तो मान लीजिए कि सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और आप उससे सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि खुद से ही चढ़ो, अकेले ही चढ़ो. तो इसके लिए इंग्लिश में कैसे यूज़ करूँगा मैं? क्लाइंब अप योर सेल्फ. नाउ वी सी इम्फेटिक प्रोनाउंस. तो इम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज टू ले इम्फेसिस अपॉन द सब्जेक्ट इट्सेल्फ. जो सब्जेक्ट पर ही जोर डालें उनको क्या बोलते हैं हम? इम्फेटिक प्रोनाउंस. इसके एग्जाम्पल है माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ. मतलब जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, वही हमारे इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, बट यूज़ में अंतर है. अब ये कहाँ यूज़ होते हैं? कि हम किसी की बात करेंगे और उस पर ही जोर डालेंगे, तो उस पर अगर ये प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ मेड दैट मेडिसिन. मैं खुद ही दवाई बनाता हूँ था, मैं खुद ही दवाई बनाता था. ओके, तो ये क्या है? आई माई सेल्फ मेड दैट मेडिसिन. तो यहाँ पे खुद ही बनाता था, मैंने खुद पे जोर डाला ना, तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन. ही हिमसेल्फ लर्न दैट आर्ट. उसने कला खुद ही सीखी. ओके, तो यहाँ पे भी उसने खुद ही कला सीखी, मतलब हमने उस पे जोर डाला ना, तो वो क्या है? हिमसेल्फ, इम्फेटिक प्रोनाउन. फिर आते हैं डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द नाउन, मतलब जो नाउन को पॉइंट आउट करे वो क्या कहलाते हैं? डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसके एग्जाम्पल जैसे देखें हम, तो दिस, दैट, दीज एंड दोज. मीन्स अब कोई एक नाउन है उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है. तो हम, हमारा एक घर है और उसको हम पॉइंट आउट करके बोलेंगे ना कि यह मेरा घर है. तो यहाँ पर दिस क्या है? डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. That is her book. वह किताब उसकी है. These are smart children. ये children smart हैं. Those are costly onions. वह महंगी प्याज है. तो यहाँ पे हर एक noun को हम क्या कर रहे हैं? Point out कर रहे हैं. तो ये कौन से noun के, तो ये कौन से pronoun कहलाएंगे? Demonstrative pronoun. Now we see interrogative pronoun. तो interrogative pronouns are used to ask question. जब हमें कोई question ask करना हो तो हम interrogative pronouns का use करते हैं. For example, who, whose, whom, what, which, these are interrogative pronoun. Example में देखें तो who is there on the roof, छत पर कौन है, तो यहाँ पे कौन है, तो उसके लिए हमने क्या use किया? Who. तो who क्या है? Interrogative pronoun. Whom are you calling, तुम्हें कौन call कर रहा है. Which is your pen, तुम्हारा पेन कौन सा है. What is your father, तुम्हारे फादर क्या है. तो ये सारे क्या है? Interrogative pronouns. अब हम देखेंगे relative pronoun. Relative pronouns are used to relate to a noun that has been mentioned before. अब कोई noun पहले use किया हो, पहले हम use कर चुके हों, फिर उसको relate करें, तो उसे हम बोलते हैं relative pronoun. इसके लिए भी जो मतलब एग्जांपल हैं वो इंट्रोगेटिव वाले ही हैं, हु, whom, which, that. ओके, इन्हें हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, द साइक्लिस्ट हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ट. एक साइक्लिस्ट जो रेस जीता वो, उसको काफ़ी हार्ड तरीके से ट्रेंड था वो. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या? द साइक्लिस्ट हु, अब साइक्लिस्ट जो रेस जीता, तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है ना, किसके लिए? साइक्लिस्ट के लिए. तो यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि साइक्लिस्ट पहले हम यूज़ कर चुके हैं और उसके जस्ट बाद हमने क्या यूज़ किया? रिलेटिव प्रोनाउन.
दिस इज द बुक दैट एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट, यह वह किताब है जिसकी हर कोई बातें करता है। तो यहाँ पे भी बुक के जस्ट बाद हमने क्या यूज किया, दैट। तो दैट क्या है, बुक एक नाउन है और उसके जस्ट बाद यूज हुआ दैट, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये बुक के लिए ही यूज हुआ है। नाउ वी सी इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन्स रिफर टू अ नाउन इन अ जनरल और इनडेफिनेट वे, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी, मैनी, ईच, समबडी, अदर, वन, फ्यू, लिटिल। अब इनडेफिनेट या जनरल वे में अगर हम किसी की नाउन को, नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे एनीबडी, कोई भी, अब यहाँ पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात नहीं हो रही, एनीबडी, कोई भी। ओके, मैनी, मैनी में अब कितना ज़्यादा है, एक किलो, दो किलो, या फिर एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, है ना, तो मैनी की बात हो रही, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। ईच मीन्स, ईच मीन्स हर एक, अब उनकी एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ नहीं दिया गया कौन कौन, लेकिन क्या बोला गया, ईच। समबडी, कोई। ओके, तो ये सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे एवरीबडी वॉज अलाउड इन द कोर्स, अब कोर्स के लिए हर कोई अलाउड था। ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट गर्ल्स, आप सभी स्मार्ट गर्ल्स हैं। समबडी हैज जस्ट नाउ कॉल्ड यू, किसी ने आपको कॉल किया। यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है, क्योंकि कोई पर्सन मोहित, राहुल, उनका नाम लेके नहीं बुलाया जा रहा है ना। एनीबडी, एवरीबडी, सबकी बात हो रही है या फिर किसी की बात हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है ये हमें नहीं पता। तो ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।